मेन जो इसकी वर्किंग का कंप्लीट जो प्रोसेस होता है इस वन वे वॉल के थ्रू होता है। अगर यहाँ पे देखें तो इस वन वे वॉल के अंदर एक छोटा सा प्लेट लगा हुआ है, ये जब ओपन होता है, जब इधर से इसके एयर फिल्टर की ओर से फ्रेश एयर जाता है, जब वो प्लेट ओपन हो जाता है और जैसे इसके एग्जॉस्ट के थ्रू काला धुआं इसके अंदर आता है तो ये प्लेट क्लोज हो जाता है। अभी आपके सामने लाइव प्रूफ शेयर करते हैं, ये पाइप को मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया अभी, और जैसे इसके अंदर फूंक मारेंगे तो वो प्लेट वहां से ओपन होना शुरू हो जाएगा। अभी इसको क्या करेंगे, यहां से हम फूंक मारेंगे और इस प्लेट को आप देखिए ये ओपन होगा। देखें यहां से जब फूंक लगा रहे हैं तो ये वन वे वॉल जो है ये ओपन हो रहा है। ये किसके थ्रू ओपन होगा, जब यहां से इस जगह पे इसका ये जो इंटेक मैनिफोल्ड के ओर से इस जगह से इस पाइपलाइन के थ्रू एयर का खिंचाव होगा, तो उस कंडीशन में ये वन वे वॉल खुलेगा और यहां से इस पाइपलाइन के थ्रू इस तरह से एग्जॉस्ट के थ्रू में जाएगा इसका एयर, और उस कंडीशन में हमारी गाड़ी प्रदूषण और पोल्यूशन का लेवल कम करवाएगी फ्रेश एयर को मिक्स करके। तो इसकी वर्किंग तो आपने आसानी से समझ लिया, अब इसके खराब हो जाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम करेगी गाड़ी वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी ये खराब होता है तो ये इंटेक मैनिफोल्ड वाला जो वन वे वॉल्व सिस्टम है ये जब खराब होता है, इसके वाल्व जो है ये लीक कर जाते हैं, ये रबर खराब हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको तीन बड़ा प्रॉब्लम इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है, आपकी गाड़ी जो पटाखे की साउंड करेगी, जैसे आप एक्सीलरेटर को डाउन कीजिएगा तो ये जो एग्जॉस्ट सिस्टम का जो गैसेस है इसका एग्जॉस्ट सिस्टम से जो निकलता है वो इसके इस मैनिफोल्ड के थ्रू आपके एयर फिल्टर में चला जाएगा, और एयर फिल्टर के थ्रू आपकी गाड़ी का जो है कार्बोरेटर में चला जाएगा, और उस कंडीशन में जो है फट फट से साउंड करेगी आपकी गाड़ी, और साथ ही गाड़ी में मिसिंग करेगी और माइलेज कम हो जाएगा और स्पार्क प्लग पूरी तरह से ब्लैक होके निकलेगा जब इसके इस वन वे वाल्व की गाड़ी में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से इसके अंदर पत्ती लगी होती है, और अभी आपको दिखाते हैं कि इसका वन वे वाल्व जो है जैसे ही ओपन होता है तो यहाँ से एयर कैसे जाता है। ये देखिए वन वे वाल्व अभी एयर के कारण जो खुला, अभी ये देखिए आपको मैनुअल करके दिखाते हैं, ये जैसे इस तरह से वन वे वाल्व ये खुलता है वैसे इसके इस पाइपलाइन के थ्रू इसके एग्जॉस्ट के साइड एयर जाता है। ये देखिए ये वन वे वाल्व इस तरह से खुल रहा है, ये मैनुअली खुलता है जब गाड़ी स्टार्ट होती है, जैसे जैसे ये खुलता चला जाएगा एयर जो है इसके एग्जॉस्ट के थ्रू जाएगा। अब चलिए आपको दिखा देते हैं इसको बाईपास करने के बाद किस तरह से हमारी गाड़ी मिसिंग करती है। वन वे वॉल अभी ओपन है, अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी स्टार्ट है, जैसे इसे हम यहां से इस तरह से हाथ से पूरी तरह से क्लोज करेंगे गाड़ी बंद हो जाएगी। ये देखिए गाड़ी बंद हो जाती है, और इसी कारण से जो हमारी गाड़ी मिसिंग करती है और जो पटाखे की साउंड जब आना शुरू हो जाए तो वन वे वाल्व की क्लीनिंग करें। कंपनी रिकमेंडेड भी बताया जाता है कि 8 to 12,000 किलोमीटर में जो है इसकी क्लीनिंग करें, क्योंकि अगर अभी देखें तो फर्स्ट टाइम मैंने इस चीज को ओपन किया और इसके अंदर देखिए ये रस्ट एग्जॉस्ट साइड से जो आया हुआ है ये पूरी गंदगी, तो इसे आप क्लीनिंग करें। अगर आपकी गाड़ी में माइलेज की समस्या आ जाती है या मिसिंग की समस्या आ जाती है या फिर आपकी गाड़ी पटाखे की साउंड करती है तो आप इस चीज की जरूर क्लीनिंग करें, क्योंकि मेन प्रॉब्लम इससे भी होता है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको जो है इस सेकेंडरी ईयर इंजेक्शन के बारे में कंप्लीट पता चल गया होगा, कैसे कैसे काम करता है, क्यों कंपनी रिकमेंडेड इसे दिया गया है। मैंने आसान शब्दों में बताया कि किस तरह से इसके प्लेट ओपन होते हैं इस साइड से जब एयर जाता है और जब एग्जॉस्ट का धुआं जाता है तो ये प्लेट जो है पूरी तरह से इस तरह से क्लोज हो जाता है और इधर से एग्जॉस्ट का धुआं जो है इसके अंदर जाने नहीं देता, और जैसे इस तरह से एयर जाता है ये प्लेट यहां से इस तरह से ओपन हो जाता है और यहां से फ्रेश एयर जो है इसके एग्जॉस्ट के थ्रू जाता है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानकारी देने के लिए, क्योंकि इन सारे के चीजों के ऊपर इस तरह से ओपन करके कहीं भी वीडियो आपने नहीं देखा होगा। मैकेनिक टीवी चाहता है कि छोटा सा छोटा इन्फॉर्मेशन, बड़ा से बड़ा इन्फॉर्मेशन जो भी हो आप सभी मैकेनिक भाइयों तक पहुंचाएं, ताकि उसके बारे में आपको डिटेल में पता चल सके कि क्या है ये चीज, क्यों दिया गया है, कैसे काम करता है, प्रॉब्लम आ जाए तो उसका हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।